हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वेलकम अगेन। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की प्रेपरेशंस भी अच्छे से चल रही होंगी। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं वोकैब के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में। जनरली मुझे मैसेजेस आते हैं या मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि मैम, जो आपने ये वर्ड्स बताए बस यही करने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मैं वर्ड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस पेपर्स में से या अलग अलग साइट्स से इकट्ठे कर रखे हैं। तो मैं बस आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो डे बाय डे थोड़ी तो इंक्रीज हो। अदरवाइज आपको ये खुद से करनी है वोकैबुलरी। यहाँ पे सिर्फ आपको एक तरीका बताया जाएगा कि उसको कैसे करना है, कैसे वो लर्न रह सकती है, बस वही चीज बताई जा रही है। बाकी जो वोकैबुलरी का पार्ट रहता है वो आप अलग से करते हैं। ये तो कुछ हल्के हल्के, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड या आप कह सकते हैं कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। इनको करोगे तो थोड़ा थोड़ा तो मतलब आपकी वोकैब जो है वो इंक्रीज होगी। ओके, चलिए अब हम वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट वर्ड के, आज के वोकैबुलरी लेक्चर के। तो फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है स्कर्च, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्कर्च। स्कर्च का अगर हम हिंदी में बात करें तो मतलब रहता है कष्ट देना, ठीक है, मतलब किसी को दुख देना। ओके, तो देखिए अब इसका जो मीनिंग रहता है, अ पर्सन और थिंग दैट काज ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, मतलब कोई चीज या कोई इंसान जो क्या करता है, क्या क्रिएट करता है किसी के लिए प्रॉब्लम्स, या फिर क्या करता है, सफरिंग क्रिएट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड हमारे पास क्या है? स्कर्च, ठीक है। तो अभी हम इसके एंटोनिम और सिनोनिम को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं स्कर्ज के सिनेनिम और एंटोनिम के बारे में, ठीक है। जो इसका सिनेनिम आएगा वो आएगा कर्ज। कर्ज का मतलब भी वही रहता है, ठीक है, दुख एंड ऑल। अब देखिए, अब आप किसी को दुख देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको लॉस देंगे, तो उसका उल्टा जो आपके पास बनेगा, मतलब एंटोनिम जो बनेगा वो क्या बनेगा? आपका बेनिफिट बनेगा, ठीक है। एंटोनिम क्या बनेगा आपके पास? बेनिफिट। आई होप कि सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है एपथी, ठीक है। एपथी का मतलब रहता है हमारे पास हिंदी में उदासीनता, ठीक है। क्या मतलब रहता है? उदासीनता। अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या है यहाँ पे? लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न, मतलब किसी के रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना, कोई कंसर्न नहीं रखना, किसी की कोई भी परवाह ना होना, ठीक है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है वो कौन सा है? एपथी, ठीक है। वर्ड कौन सा है? एपथी। चलिए अब इसके एंटोनिम और सिनोनिम डिस्कस करते हैं। ओके, जब हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली एपथी है, किसी से कोई कंसर्न नहीं रख रहे हैं, तो अनकंसर्न इज ओके, ठीक है। अनकंसर्न वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। और जब इसका एंटोनिम आ जाएगा, मतलब किसी के प्रति कोई भी भावना ना रखना, मतलब कोई भी कंसर्न ना रखना, तो अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी के प्रति भावना रखना, सहानुभूति रखना, मतलब सिंपथी रखना, ठीक है। क्या मतलब आएगा? सिंपथी। सिंपथी का मतलब हमारे पास रहता है सहानुभूति। ओके, चलिए इसी के तरफ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे है वो है डेफी। डेफी का मतलब रहता है विरोध करना, संघर्ष करना, ठीक है। ओपनली रिसिस्ट और रिफ्यूज टू ओबे, मतलब ओपनली बोल देना कि मैं इसको नहीं मान रहा या नहीं मान रही, ठीक है, रिफ्यूज कर देना, बिल्कुल मना कर देना इस चीज को। चलिए अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। ओके, तो सिंपल है, अगर डेफी का मतलब ये है कि किसी बात को ओबे नहीं करना, तो उसका सिनोनिम आपके पास डिसओबे आ जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम उसका उल्टा आ जाएगा, मतलब ओबे करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखें, आई होप ये क्लियर हो रहा है। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है वो एंडियर, ठीक है। एंडियर का मतलब हमारे पास क्या रहता है? अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब रहता है प्रिय बनाना, ठीक है। तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग क्या है यहाँ पे? काज टू बी लव्ड और लाइक्ड, ठीक है, मतलब किसी को प्यार करने की, पसंद करने की वजह बनना। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड हमारे पास यूज होता है वो वर्ड क्या है हमारे पास? एंडियर, ठीक है। चलिए अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करते हैं। ओके, जब हम बात करेंगे इसके सिनोनिम की, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है चार्म। चार्म का मतलब होता है आकर्षण। तो आकर्षण भी एक वजह है किसी को पसंद करने की या फिर किसी से लव करने की, ठीक है। तो चार्म एज अ सिनोनिम यहाँ पे यूज हो रहा है, और उसका उल्टा एंटोनिम, मतलब यहाँ पे वर्ड है हमारे पास स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब हमारे पास क्या रहता है? बहिष्कार करना, ठीक है, मतलब किसी के प्रति कोई भी प्यार की भावना ना होना, ठीक है, कोई पसंद की भावना ना होना, उसका टोटली क्या कर देना? बहिष्कार कर देना। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वो है अनसिमिली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? अनसिमिली। अनसिमिली का हिंदी में मतलब रहता है अनुचित। ठीक है, तो मीनिंग देखते हैं इसका, नॉट प्रॉपर और अप्रोप्रिएट। मतलब कोई चीज प्रॉपर वे में नहीं है, अप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त नहीं है, किसी चीज के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। ओके, तो इसकी सिनोनिम और एंटोनिम्स बहुत ज्यादा इजी हैं, सिंपल हैं, जो हम लोग रोज यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में वर्ड्स। जैसे सिनोनिम इसका आ गया अनसिमिली का, अगर कोई चीज प्रॉपर नहीं है तो मतलब इनप्रॉपर। ठीक है, अप्रोप्रिएट नहीं है तो इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इनका उल्टा करते हैं, एंटोनिम जो बन जाएगा वो इसका बन जाएगा इम्प्रॉपर का प्रॉपर। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट का अप्रोप्रिएट भी बन सकता है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल भी ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेकोरस। डेकोरस का मतलब होता है प्रॉपर डेकोर के साथ, मतलब प्रॉपर चीज होना, अप्रोप्रिएट चीज होना विद डेकोरेशन। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो गया डेकोरस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यहाँ पे वो है स्क्रैम्बल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का अगर हम लोग हिंदी में मतलब देखें तो होता है संघर्ष। ठीक है, संघर्ष मीनिंग देखते हैं, एन ईगर और अनकंट्रोल्ड स्ट्रगल विद अदर्स टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग। मतलब किसी का अनकंट्रोल्ड जो ना, ऐसा स्ट्रगल जो मतलब ऐसा संघर्ष जो रुक ना सके, और वो संघर्ष किसके लिए है? किसी चीज को पाने के लिए, टू अचीव समथिंग। ठीक है, चलिए अब इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स देखते हैं। ओके, तो जो इसका सिनोनिम आ गया वो सिंपल है, स्क्रैम्बल का मतलब होता है संघर्ष, तो स्ट्रगल का मतलब भी क्या रहता है हमारे पास? संघर्ष। तो स्क्रैम्बल अगर संघर्ष करना है तो अनस्क्रैम्बल हमारे पास क्या है? संघर्ष नहीं करना, मतलब इजी वे में रहना, संघर्ष नहीं करना। तो जो इसका एंटोनिम बन जाएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? अनस्क्रैम्बल। आई होप कि सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है? रेनफोर्स। रेनफोर्स का मतलब हमारे पास क्या रहता है? समर्थन करना। ठीक है, समर्थन करना इसका क्या रहता है? हिंदी में मतलब रहता है, आगे देखिए मीनिंग्स जो है यहाँ पे वो क्या है इसके? स्ट्रेंथन और सपोर्ट। मतलब किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना या फिर किसी को क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके पीछे खड़े रहना। ठीक है, तो चलिए अब इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है वो रेनफोर्स। ठीक है, रेनफोर्स का मतलब हिंदी में रहता है समर्थन करना। ठीक है, किसी चीज को बढ़ावा देना, समर्थन करना। अब जो इसका मीनिंग रहता है वो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंथन और सपोर्ट। इन दोनों का मतलब कुछ हद तक सेम ही रहता है, किसी को सपोर्ट करना। ठीक है, और साथ में किसी की क्या करना? मजबूती बनना, उसको मजबूत बनाने के लिए हेल्प करना, तो वही चीज आ गई, सपोर्ट करना। ठीक है, तो कुछ हद तक क्या है, ये दोनों का मीनिंग क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। तो चलिए अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं। जिसका सिनोनिम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है रेनफोर्स का है बोल्स्टर। ठीक है, बोल्स्टर का मतलब क्या रहता है? किस चीज को बूस्ट करना, सपोर्ट करना, सेम आ गया। ठीक है, तो उसका उल्टा जो आ जाएगा वो क्या आ रहा है? डिमिनिश, मतलब किस चीज को घटाना, उसको सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, उसको नीचे गिराने की कोशिश करना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, तो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है वो है साइट। हमने बहुत सारी साइट पढ़ रखी, ये भी एक साइट है। इसका जो हिंदी मतलब है वो क्या रहता है? प्रमाण देना। ठीक है, मतलब किस चीज का? सबूत देना, प्रूफ देना। तो मीनिंग यहाँ पे क्या है? रेफर टू एज एन एविडेंस फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट। मतलब कोई एविडेंस देना, कोई प्रूफ देना अपनी बात को, या फिर जो आपकी आर्ग्यूमेंट चल रही है किसी के साथ उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा वर्ड है? साइट। चलिए अब इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं। जो इसका सिनोनिम हमारे पास यहाँ पे आएगा वो आएगा कमेंट। ठीक है, कमेंट का मतलब भी यही रहता है हमारे पास कि किसी को प्रूफ देना किसी चीज का। ठीक है, तो मतलब किसी को कोई चीज शो करना, किसी को कोई चीज क्या कर देना? रिवील कर देना कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तो वो चीज उसको क्या करना? ओपनली रिवील कर देना। कमेंट का यहाँ पे ये मतलब आता है। तो उसका उल्टा जो आपका एंटोनिम आ जाएगा, किसी चीज को क्या कर लेना? हाइड कर लेना, छुपा देना। ठीक है, किसी के सामने उसको ना रखना, छुपा देना। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है? स्टेप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब रहता है छोड़ देना। ठीक है, जैसे कोई जॉब कर रहा हो, कोई वो छोड़ दे, तो उसने क्या कर दी है? वो जॉब स्टेप डाउन कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है विदड्रॉ और रिजाइन फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पोजिशन और ऑफिस। मतलब कोई जॉब छोड़ देना, कहीं से रिजाइन कर देना किसी बड़ी पोजिशन से। ठीक है, या किसी ऑफिस से। तो चलिए इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स देखते हैं।
सिनोनिम इसका सिंपल रहेगा जो आप लोग यूज भी करते हैं बहुत बार, क्विट, ठीक है, मतलब छोड़ देना। तो अगर हम लोग इसके एंटोनिम की बात करेंगे वो उल्टा आ जाएगा, वो आएगा टुक ओवर, मतलब किसी चीज के ऊपर क्या करना, प्रॉपरली कब्जा कर लेना, उसको छोड़ना ही, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है हैमर आउट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हैमर आउट। हैमर आउट का जो हिंदी में मतलब होता है वो रहता है हल निकालना, मतलब कोई प्रॉब्लम है उसका अगर हमने हल निकाला तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वी हैमर आउट इट। ओके, तो हमने क्या किया, इसका हल निकाल दिया है। तो मीनिंग क्या है इसका? टू अराइव एट एन एग्रीमेंट और सॉल्यूशन आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट और डिस्कशन, मतलब हमारी बहुत लंबी लंबी आर्गुमेंट चली हैं, बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस चली हैं, और उसके बाद आप क्या है एक हल के ऊपर आते हैं, एक सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो हम ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे हैमर आउट, ठीक है। चलिए अब हैमर आउट की सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम इसका रहेगा रीसॉल्व, मतलब इस चीज को सॉल्व कर लेना, ठीक है, मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा उलझी हुई है तो उसको क्या करना, आपने एक बार फिर से सॉल्व कर देना। तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं रीसॉल्व, तो ये आपका सिनोनिम बन जाता है हैमर आउट का, ठीक है। तो एंटोनिम उसका उल्टा आ जाएगा, मतलब आप उसको सॉल्व नहीं करोगे, उल्टा कंफ्यूज करोगे। तो उसके लिए हमने वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया है कंफ्यूज। तो कंफ्यूज यहाँ पे क्या है, इसका एंटोनिम है हैमर आउट का। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बाकी आप लोगों की जो भी मतलब प्रॉब्लम्स या जो भी आपके डाउट्स रहते हैं वो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहां पे आप पूछ सकते हैं, जिन लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।